हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNME डिग्री टू का जो 2024 में एग्जाम होगा मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, उसके लिए हम जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किए थे। तो उसमें जो है हुआ हमारा जो है हुआ ये हमारा थर्ड का जो है हुआ डी नंबर प्रॉब्लम है। ये जो है हुआ यानी कि आपको बता दें, ये जो है वो प्रॉब्लम हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट से ये हमारा क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको हम बताए थे इसे यानी कि तीन क्वेश्चन पहले भी बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन में हम निकालने के लिए सी आई यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि सी एफ प्लस पी आई निकाल लेते हैं और जनरल सॉल्यूशन के लिए दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। तो उसको लिए उसके लिए हमें यानी कि सी एफ चाहिए, तो सी एफ निकालने के लिए हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वह सॉल्यूशन दे दीजिएगा, यहाँ पे जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप लोग सॉल्यूशन जो है वह लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, और यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा द गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यानी कि ये जो है वो यानी कि डी फोर में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे द गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अगर डी फोर में नहीं रहेगा तो इसको डी फोर में यानी कि चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वह डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स साइन ए एक्स है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे सिंस एक्सिलरी इक्वेशन इज, आप लोग लिख लीजिएगा डिटेल में एक्सिलरी इक्वेशन इज। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी का स्थान पर हम एम रख देते हैं, तो ये एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ जो है हुआ यानी कि एम स्क्वायर इक्वल टू जो हुआ यह हमारा इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो है हुआ एम स्क्वायर इक्वल टू जो है वह हमारा क्या बनेगा, तो ये प्लस माइनस ये आयोटा ए, यानी कि जो है वह यह हमारा जो है वह अल्फा प्लस माइनस जो है वह आयोटा बीटा इस फॉर्म में है। सिंस अल्फा इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू हमारा क्या है, तो यहाँ पे जो है वह बीटा इक्वल टू क्या है हमारा, तो ए है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है वह यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जब आ जाता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कैसे निकालते हैं, चूंकि सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो इसका जो है यानी कि ये हमारा e पावर अल्फा एक्स इंटू ये जो है वह सी वन कोस बीटा एक्स प्लस ये सी टू साइन बीटा एक्स, ये यानी कि फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे e पावर अल्फा का स्थान पे जीरो है, तो जीरो इंटू एक्स इंटू सी वन कोस बीटा का स्थान पर ए है, तो कोस ए एक्स प्लस सी टू साइन बीटा का स्थान पर ए है तो ए एक्स हो जाएगा। तो देयर फोर यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये तो भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा एक पावर जीरो इंटू एक्स, तो ये तो हमारा जो है वह क्या होगा तो वन हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा सी वन कोस ए एक्स प्लस ये सी टू साइन ए एक्स, ये जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये इतना निकाले हैं। इसको जो है वह क्या करते हैं तो ब्रैकेट में हम जो है वह लिख देते हैं, तो इसको जो है हम ब्रैकेट में लिख दिए। अब जो है वह हम क्या निकालते हैं, तो ये हम सी एफ निकाल लिए हैं, अब हम जो है वह निकालते हैं पी आई निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वह हम लिख देंगे सिंस पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकल इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं वन बटे एफ डी और ये एक्स, एक्स जो है यानी कि राइट साइड में जो रहता है वह यानी कि गिवन इक्वेशन में जो राइट साइड में रहेगा वो हमारा हो जाता है। तो देखिए वन बटे एफ डी, एफ डी का हम यानी कि लिखते हैं वाई को जो है वह यानी कि ये डी स्क्वायर प्लस ए है, तो ये हम लिख देते हैं ये हमारा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू हमारा एक्स साइन ए एक्स है, तो ये हमारा जो है वह एक्स साइन ए एक्स है, तो ए एक्स हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम देखिए सिंस हम जानते हैं कि एक पावर आयोटा इंटू थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस ये आयोटा साइन थीटा, ये यूलर फॉर्मूला था ये होता है। अब देखिए जब जो है वह यहाँ पे जो है वह साइन रहेगा तो हम जो है वह यानी कि इमेजिनरी पार्ट लेंगे, और जब यहाँ पे कोस रहेगा, यहाँ पे जो है वह कोस रहेगा तब जाके हम रियल पार्ट उठाते हैं। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन बटे ये जो है वह डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, और ये जो है वह एक पावर यहाँ पे यानी कि एक पावर आयोटा, और यहाँ पे जो है थीटा के रूप में ए एक्स यूज हुआ है, तो ये हमारा ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक पावर आयोटा
एक्स को हम एक्सपोज कर देते हैं, तो एक्सपोज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा एक्स बटे ये वन बटे, यहाँ पे जो है वो हम जब भी एक्सपोज करते हैं तो ये जो है वो एक्स कोफिशियंट जितना है वो डी के साथ में ऐड हो जाता है, तो ये जो है वो आई ए है, तो ये हमारा हो जाएगा डी प्लस ये आई ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे बच गया है एक्स, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वह इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा ए एक्स बटे ये वन बटे ये इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए थे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा आयोटा स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये ए स्क्वायर इंटू एक्स एक्स, ये देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये एक पावर आयोटा एक्स बटे ये हमारा बचा हुआ है डी स्क्वायर प्लस टू आयोटा ए डी बचा हुआ है, ठीक है, और इंटू में एक्स है तो एक्स दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमें क्या करना रहता है, देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा ए एक्स वन बट यहाँ जो है वो टू आई ए डी जो है वो हम क्या करते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जो है वो टू आई ए डी जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा कितना, ये बच ये भाई से बचेगा वन प्लस ये जो है वो हमारा बचेगा डी बटे ये टू आई ए बचेगा, ये इतना बच जाएगा और ये इंटू में एक्स है एक्स दे दिए, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा ए एक्स और जो है वन बटे ये टू आयोटा ए डी और ये जो है वो वन प्लस ये डी बटे टू आयोटा एक पावर में जो है वो माइनस वन इंटू एक्स, ये इतना हो गया। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, वी नो डेट हम क्या जानते हैं, वन प्लस एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स पावर माइनस वन का एक्सपेंशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे यानी लिख देते हैं ताकि आपको यानी कि और आसान लगे, ये वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये डॉट डॉट जाएगा, यहाँ पे देखिए एक ही यानी एक्स पावर जो है वो वन है, तो आप ये यानी कि इतना ही लीजिएगा तो चलेगा, इसको बेसी यानी कि ज्यादा एक्सपेंड भी नहीं करेंगे तो ये हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो है वो एक पावर आयोटा ए एक्स ये वन बटे ये टू आयोटा ए डी, अब देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये हमारा जो है वह क्या आएगा, तो देखिए ये वन है तो वन माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर हमारा ये डी बटे ये टू प्लस आई ए है, ठीक है, ये वन प्लस एक्स है तो वन प्लस एक्स के स्थान पर ये इतना है, तो एक्स के स्थान पर ये इतना है तो ये डी बटे ये टू आयोटा ए और प्लस जो है वह एक्स स्क्वायर दे देंगे तो ये डी स्क्वायर, चलिए इतना ही रहने दीजिए, इतना ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स क्योंकि यहाँ पे एक्स ही है, अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम डी स्क्वायर लेंगे, फिर अगर एक्स क्यूब रहेगा तो डी क्यूब तक यानी कि पावर तीन तक जाएंगे, तो ये जो है वह अब देखिए हम क्या करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा ए एक्स बटे ये वन बटे टू आयोटा ए डी हो गया और इसको भाई साहब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स माइनस ये जो है वह डी एक्स हो गया और बटे ये टू आई ए हो गया और ये जो है वह यानी कि ये इतना हो गया, इसको जो है वह यानी कि अब जो है वह डॉट डॉट लिखने की कोई जो अनचलिए अभी जो है वह डॉट डॉट फिलहाल लिख दीजिए, ठीक है, ये हम इतना लिख दिए हैं। अब देखिए इसको जो है वह हम जो है वह पीछे लिखते हैं और फिर जाके इसको जो है वह हम सॉल्व करते हैं, ये जितना आया है तो उसको हम लिखते हैं फिर जाके सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लिखते हैं, यहाँ पे जो आया था हमारा आया था ये क्या आया था, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स और ये वन बटे ये टू आयोटा ए डी आया था और ये जो है वो हमारा एक साइड देख लेते हैं, ये हमारा आया था क्या आया था, तो ये एक्स माइनस जो है वह डी एक्स बटे ये टू आयोटा ए प्लस डॉट डॉट, ये इतना आया था कि हम जो है वह लिख दिए हैं। तो अब देखिए डी का मतलब क्या होता है, तो आपको हम बताए हैं डी बटे डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है वन हो जाता है, तो देखिए ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा ए एक्स इंटू ये वन बटे ये टू आयोटा
ए डी और ये हमारा भाई साहब एक्स माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन वन बटे ये टू आयोटा ए हो जाएगा। ठीक है, टू आयोटा ए हो गया। अब देखिए अब जो हुआ ये जो डॉट डॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स इंटू ये वन बटे ये टू आयोटा ए डी हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम जब ले लेंगे तो टू आयोटा और ये ए हो जाएगा, टू आयोटा ए हो गया, ये इतना हो गया। और जो है वो यानी कि टू आयोटा ए हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे तो इसका जो है एलसीएम ले लेंगे तो ये वन, तो ये हमारा हो जाएगा टू आयोटा ए इंटू एक्स माइनस, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टू आयोटा ए कॉन्स्टेंट है, ये हमारा बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये एक पावर आयोटा ए एक्स, ये जो है वो ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा तो ये वन बटे ये टू आयोटा ए गुने ये जो है वो हमारा वन बटे टू आयोटा ए। देखिए ये जो है वो वन बटे जो है वो डी यानी कि अभी हैवी यानी कि अभी जो है वो यहाँ पे बचा ही हुआ है। तो और यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा टू आयोटा ए एक्स माइनस वन ये इतना आया है। तो आपको हम बता दे कि वन बटे डी इंटू क्यू, तो इसका मतलब वन बटे डी नीचे में जब डी रहता है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स हो जाता है, यानी कि नीचे में डी रहता है तो इंटीग्रेशन, जब ऊपर में डी रहता है डी का मतलब हो जाता है डी बटे डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा ए एक्स इंटू ये देखिए वन बटे ये दो दूनी कितना हुआ चार आयोटा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर इंटू। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं टू आयोटा ए जो है वह टू आयोटा ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है ये जो है वह एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर बटे टू हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे टू माइनस ये देखिए ये जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ ये वन डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है ये हमारा एक्स हो जाएगा। देखिए ये टू टू जो है वह कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जो है वह क्या बचा आयोटा स्क्वायर जो है माइनस वन होता है, ये जो है वह इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो है वह एक पावर आयोटा एक्स इंटू वन बटे ये माइनस फोर ए स्क्वायर और ये जो है वह भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आयोटा ए माइनस एक्स, ये इतना हो गया। इतना तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, तो दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा तो देखिए यहाँ पे आपको हम बताए थे कि एक पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एंगल में थीटा यहाँ पर थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह हम यही फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे एक पावर आयोटा ए एक्स है, यहाँ पे जो है वह इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो है वह फॉर्मूला को हम विस्तारित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा के स्थान पर ए एक्स है तो ए एक्स प्लस ये आयोटा साइन एक्स बटे ये माइनस फोर ए स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर आयोटा ए माइनस एक्स, ये इतना हो गया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो इसको और इसको जो है हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन लेकर ये काट देते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ यहाँ पे देखिए जो है वह यानी कि जो है वह यानी कि लेफड़ा रहता है पी आई निकालने का, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में जो है वह हमको थोड़ा जो है वह यानी कि लंबा यानी प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन सी एफ निकालने में बहुत ही आसानी होता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इसको हम काट देंगे तो हमारा हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस ये आई साइन ए एक्स। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो और अच्छा से समझ में आ गया होगा, अगर आप नहीं यानी कि देखे हैं नहीं यानी पढ़े हैं तो इसको दो बार तीन बार देख लीजिए वीडियो को, और जो है पर्टिकुलर यानी कि जो है वह क्वेश्चन को जो है वह पकड़ लीजिए, उसको चार बार पांच बार प्रैक्टिस कर लीजिए लिख लिख के, एग्जाम में आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है वह एक बार देख लिए और प्रैक्टिस नहीं किए तो मे भी हो सकता है आपसे एग्जाम में नहीं बन सके। ठीक है, तो इसको जो है वह दो बार चार बार जो है वह प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ये इतना हो गया। तो अब देखिए इसको जो है हम क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है वह क्या आएगा, तो देखिए ये वन बटे फोर ए स्क्वायर है तो ये रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कोस ए एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर आयोटा ए कोस ए एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा साइन ए एक्स, और ये एक्स है तो ये एक्स भी जो है वह गुने में एक्स है तो गुने में एक्स दे दीजिए,
और ये माइनस, और ये देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये भाई साहब एक्स स्क्वायर ए, और ये हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स हो गया ये, ठीक है। ये इतना हो गया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यानी कि हम इमेजिनरी पार्ट को उठाएंगे, तो इमेजिनरी पार्ट को उठाएंगे तो देयरफॉर हमारा पी आई क्या हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट को ही हमको लेना है, तो ये जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वह देखिए यहाँ पे जो है वह, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है वह यहाँ पे है। तो इसको जो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, रियल पार्ट को एक साइड और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड फिर भी ले सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं, देखिए हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो ये हमारा एक्स साइन एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर आयोटा छोड़ देंगे, ये ए कोस ए एक्स, ये इतना आ गया है। ये जो है वो हमारा क्या आया है, ये हमारा जो है वो यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो हम इतना निकाल लिए हैं। अब हमें क्या चाहिए, तो जो है वो यानी कि अब जो है वो हमें, अब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू, ये जो है वो सी एफ प्लस ये पी आई। आपको जो है बहुत ही यानी कि धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि जो है आपको अच्छा जो है वह समझ में आ सके। तो वाई इक्वल टू सी एफ हम क्या निकाले थे, तो सी एफ हम निकाले थे सी वन कोस एक्स प्लस ये सी टू साइन एक्स। आप कहिएगा कि ये कहाँ से लिख दिए हैं, तो देखिए हम जो है वह सी एफ जो निकाले थे वही हम लिखे, ठीक है। तो ये इतना हो गया, और ये प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाले थे वन बटे फोर ए स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर ए कोस एक्स, यही जो है हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है वह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।